वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है जस और आप लोग देख रहे हैं जस रोड व्लॉग्स। तो आज मेरा है जर्नी टू टी गार्डन। तो भाई पीछे से हेलो करते हुए और डांस भी करते हुए, तो आज हम जाएंगे पैदल टी गार्डन को। यहाँ पे हमारा टी गार्डन पास में पड़ता है, तो हम पैदल जाएंगे। पापा लोग हमें ले जाना नहीं चाहते, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बाद में मिलता हूँ। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ टी गार्डन और हम अंदर तो जा नहीं सकते, इसीलिए हम बाहर बाहर से ही जाएंगे। कभी कभी अंदर, कभी अंदर जाएंगे हम कभी और दिन में। और भाई पीछे से चलते हुए ही ही ही। तो गाइस, अभी मैं आपको थोड़ा सा और रास्ता तय करके आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए सायो बाय। तो गाइस, मेरा नाम जस है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर में हम आपसे मिलेंगे। क्योंकि मेरा भाई कह रहा है कि तू चाहता के कहना क्या चाहता है तू। तो गाइस, मेरे से थोड़ा मिसप्लेस वर्ड्स बता देते, मैं कुछ भी बोल देता हूँ। कि हम हेलो, मेरा नाम जस है, तो वेलकम बैक गाइस, कुछ भी बोल देता हूँ, आपको पता नहीं है मैं। और तो गाइस, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ना, गाइस उस वक्त मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, तो मैं आपसे ही कहना चाह रहा था कि मेरे को 150 लाइक्स और कुछ सब्सक्राइबर्स चाहिए ताकि मेरे उसमें हो जाएं, क्योंकि मेरे नए नए व्लॉग्स हैं। तो आप सपोर्ट करिए। यस, सपोर्टिंग, जितना सपोर्ट करेंगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी मैं ना जा रहा हूँ टी गार्डन और रास्ता इतना लंबा है और हम हैं पैदल। उस मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अभी बहुत पास में है, लेकिन वो इतना भी पास में नहीं है, इसलिए अभी हम जा रहे हैं। सफ़र हमारा जारी है। वैसे आपको पता है मैं पीटी करते करते जा रहा हूँ, सोच भी नहीं सकता। ये देखिए मेरा हाथ। तो गाइस, अभी मैं थोड़ा बहुत तो पास पहुंच चुका हूँ। और गाइस, मैं आपको एक क्यूट सा पपी दिखाता हूँ। ये देखिए क्यूट सा पपी, डरा दिया इस क्यूट से पपी ने मुझे, एक क्यूट सा पपी। और यहाँ पे डॉगी मेरे पीछे पड़ गया। तो गाइस, मैं भाई डॉगी पीछे पड़ गया। तो गाइस, अभी आपने मेरे देखा कि मेरे पीछे डॉगी पड़ गया था और मैं दुम दुआ के डॉगी से भी तेज भाग चुका था। ही ही ही। और भाई मुझे ऐसे नज़रों से देख रहा है ना, ऐसी नज़रों से देख रहा है ना। ये देखिए नज़रें हैं मुझ पे, नज़रें मुझ पे हैं, ये नज़रें मुझ पे ही हैं, वरना किसी पे और ये नज़रें नहीं होती। तो गाइस, मजा नहीं लाइफ। तो गाइस, जब तक मैं एक स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ अपने साथ, स्क्रीनशॉट नहीं सॉरी फ़ोटो ले लेता हूँ थोड़ी सी मस्त वाली। आते हैं तो हम नील भी निकालेंगे। तो गाइस, हमसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, हम पानी नहीं लेके आए। धूप बहुत खतरनाक हो रही है, पसीने छूट रहे हैं हमारे। और अगर हमने, मेरे को तो ऐसी हो रही है ना, काश मैं कुछ लाया होता, कुछ तो पीने का लाया होता, जिससे अभी मेरी प्यास बुझ जाती। बहुत ही खतरनाक हो रही, प्यास लग रही है मुझे इस वक्त। अभी कोई सोच भी नहीं सकता, मेरे को इतनी गंदी प्यास लग रही है कि मुझे नहीं, कीचड़ दिखेगा तो मैं तो नहीं पीऊँगा, पानी दिखेगा तो पानी पी जाऊँगा, चाहे वो थोड़ा सा गंदा ही क्यों ना हो, क्योंकि इस वक्त मुझे बहुत ही प्यास लग रही है। और वैसे अभी घर बहुत दूर है पैदल जाने, क्योंकि अगर हम किसी और चीज़ में आए होते तो गाइस, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो प्यास लग रही है। तो अभी मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता, इसीलिए मैं आपको थोड़ी देर, अभी मैं आपको टी गार्डन में ही मिलता हूँ, क्योंकि अभी हो रही है मेरे को गले में दर्द, क्योंकि प्यास हो रही है। तो मैं आपको उसी वक्त मिलता हूँ। तो चलिए, तब तक के लिए सायो बाय। तो वैसे मेरी तो बहुत वाट लग रही है, अभी मैं क्या करूँ, मेरी तो वाट लग रही है। और मैं जितना हो सकता है थोड़ा बोलूँगा और ज़्यादा एक्शन करने की कोशिश करूँगा। क्या समझे क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे बहुत प्यास लगी है। ही ही, कोई पानी दे दो, मेरा व्लॉग देखते हुए आ रहे हो तो कोई पानी दे दो। सब पानी मिलेगा साहब, बहुत तेज प्यास लगी है साहब। तो गाइस, मेरे को तो बहुत ही खतरनाक वाली प्यास लग रही है, मैं क्या करूँ, मैं सोचते सोचते परेशान हो चुका हूँ। एक तो यहाँ पे कुछ है भी नहीं जहाँ पे से सही अच्छा फ्रेश वाटर मिल निकलता हो, जैसे वो नहीं होता पहाड़ी के बीच से वो पानी निकलता है,
जो फ्रेश होता है बिल्कुल, जो उसमें कुछ भी नहीं होता, पीने का पानी होता है, अगर वो मिल जाए ना तो अभी सोच लो मैं पूरी पूरी नदियाँ ख़त्म कर दूँगा। इतनी खतरनाक प्यास लग रही है इस वक्त मुझे। एक्चुअली मैं ज़्यादा पानी पीता नहीं हूँ तब भी। और आपको अभी मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे जो आपको ग्रीन पट्टियाँ दिख रही हैं, ये ग्रीन पट्टियों यानी टी गार्डन इज स्टार्टेड। यस स्टार्टेड। तो आपको लग रहा होगा मेरे पहले वाले ब्लॉग में, सबसे पहले वाले ब्लॉग में जिसमें मैंने कहा है कि प्लीज़ सपोर्ट वाले ब्लॉग में, मैंने बहुत हंसी मजाक करी है। इसमें मेरी हालत नहीं हो रही, मैंने तो बहुत हंसी मजाक करता हूँ, असल में भी ब्लॉग के चक्कर में नहीं, इसलिए। तो अभी तो मैं आपसे बाद में मिलूँगा, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग फैक्ट्री तो आने ही वाली है, मतलब टिकट आने ही वाला है। वैसे भी स्टॉप करने का क्या फ़ायदा, भी आने वाला है, लेकिन मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। हाँ तो ऐसे बोलना है तो स्टार्ट। तो अभी को मैं टी गार्डन में मिलता हूँ। तो गाइस टी गार्डन तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें लगते हैं 40 रुपीज़ पर पर्सन, इसीलिए हम वहाँ जा नहीं सकते। और वैसे अगर आप चाहें तो टी गार्डन आ सकते हैं, ये पड़ता है आपको, अगर आप लोगों को नैनीताल पता है तो नैनीताल आइए, नैनीताल में पूछिएगा कि भवाली कहाँ है, सब आपको बता देंगे कि भवाली कहाँ है। और जैसे ही आप भवाली पहुँचेंगे लोगों से पूछिएगा कि शामखेत कहाँ है, और शामखेत जब मिल जाएगा तो शामखेत वाले लोगों से कहिएगा कि यहाँ पर कहीं टी गार्डन दिखता है, उन वो कहेंगे कि हाँ तो उसी रास्ते जाते रहना आपको पक्का टी गार्डन मिल जाएगा। वैसे यहाँ का पहाड़ी रास्ता भी ऊपर से आता है, लेकिन हम पहाड़ी रास्ते से नहीं आते, हम ऐसे ही नॉर्मल रास्ते से आते हैं। और आपने मेरे पीछे नोटिस करोगे कि तो मेरे पीछे टी गार्डन आते जा रहा है। और मैं आपसे कहता हूँ 40 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ हम लेके नहीं आए, हमें खुद अभी पता चल रहा है ठीक है, क्या कहते हैं कि 40 रुपीज़ लगते हैं। और अगर हमें पता होता तो हम लेके आते, ज़रूर लेके आते और ज़रूर वहाँ जाते, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जा सकते, क्योंकि क्या कहते हैं ना, हमारे कोई संबंध नहीं है, इसलिए हम ना जा सकते ना। या तो हम ऐसा कर देते कि बाद में दे देंगे, आके दे देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना यहाँ पर, इसलिए ऐसा ही है। तो कहते मैं आपको भी यहाँ के रूल्स बताता हूँ, आप यहाँ पर हिंदी में हैं तो आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। रुकिए हाँ, अभी पहुँचने वाले हैं, और यहाँ का बोर्ड रुक जाइए कि यहाँ का कितने वो लगता है, ये देखिए यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आप विज़िट करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ पे चाय बागान में बड़ा मज़ा आता है, आप लोग देखेंगे तो आप बहुत ही मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि समझ लीजिए आप बहुत सारा होगा, प्लांट्स दिखेंगे, अलग अलग चीज़ के प्लांट्स दिखेंगे। तो गाइस अभी यहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर्स हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं रिस्क लेके आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइस मैं पहाड़ पर चढ़ चुका हूँ, मजाक कर रहा हूँ, यहाँ पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कैसे ओवर एक्टिंग कर रहा है, मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ आपको फ्लावर्स दिखाने के लिए। ये देखिए फ्लावर्स कितने अच्छे अच्छे, कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे। तो ये देखिए अंदर का रास्ता, हम जा नहीं सकते, अलाउड नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये सुंदर सा फ्लावर दिख रहा होगा, हाई का फ्लावर, हाय देखो फ्लावर आपको हाई कह रहा है, आप फ्लावर को भी हाई करिए, उसकी अलग लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई होगी भी, इसीलिए मैं टी गार्डन तो पहुँच चुका हूँ, अभी हम जा रहे हैं घर को, तो अभी घर पे मिलता हूँ मैं आपको। तो चलिए वहाँ पे मिलते हैं। तो गाइस मैं आपसे कहना भूल गया कि लाइक एंड सब्सक्राइब करिए फॉर अ न्यू वीडियो, अगर आप कुछ जितने भी लाइक करेंगे, जितने भी सब्सक्राइब करेंगे, मैं उसमें वीडियो बनाऊँगा, जितने भी करेंगे। और अगर मेरे ख्याल से 10 से ऊपर आए तो हम 10 से नहीं तो बहुत ही कम हो गए, अगर 150 हाँ 150 आए तो हम टी गार्डन जाएंगे। यस टी गार्डन के अंदर, यस, क्योंकि अगले व्लॉग में तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि अगले व्लॉग में हम अलग कंटेंट निकालेंगे। और नई वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, यस यस यस, और थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स भी हैं, और कमेंट करें कि आप यहाँ पे आए हैं या फिर नहीं आए हैं, या फिर आप शाम खेत में कभी आए हैं नहीं आए हैं।
तो हाँ, कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों पे शेयर करिए ताकि मेरा मोटिवेशन और आपका प्यार बढ़ते रहे और वीडियोस अच्छी अच्छी और बेस्ट बेस्ट आते रहे। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अपने घर पे। तो डिंग डिंग, वैसे घर पे क्या मिलना, व्लॉग तो ख़त्म ही होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बाय बाय कहता हूँ, बाय, सायोनारा।